अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम लोग बनाने वाले हैं एक बोर्ड विदाउट मोटर। तो गाइज हम विदाउट मोटर के एक बोर्ड बनाने वाले हैं, बहुत सिंपल तरीके से बनेगी। आप भी अपने घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, बारिश में उसे चलाइए, बहुत मज़ा आता है उसे चलाने में। तो गाइज चलिए हम अपनी बोर्ड को शुरू करते हैं। तो गाइज हमें एक थर्मोकोल की ज़रूरत पड़ेगी। थर्माकोल पानी में आराम से तैर लेता है। तो गाइस थर्माकोल पे हम पहले अपनी इसकी डायग्राम बना लेते हैं। तो गाइस हम जो है डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आगे से ऐसे, गाइस कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, फिर इस तरीके से। गाइस हम यहाँ से ऐसे और यूं करके ऐसे डायग्राम बनाएंगे। तो गाइस चलिए मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमारा ये पूरा कट चुका है। तो गाइस हम आपको इसका डिज़ाइन बता देता हूँ कि कैसे होगा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आप एक लाइन खींचे हैं, यहाँ से भी आप बराबर ही होनी चाहिए दोनों साइड। फिर आप यहाँ से ऐसे कर लें, आप कैसी भी शेप का डिज़ाइन दे सकते हैं। हमारे ये शेप ज़्यादा बेहतर लगी, हमने इस शेप का डिज़ाइन दे दिया। यहाँ से आप इस ये चीज़ आप ज़रूर जगह छोड़ो। मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमने ये जगह क्यों छोड़ी है। यही हमारी मेन जगह है जो हमारी कश्ती को आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो चलिए गाइस हम ये लगा लेते हैं। तो गाइस हमें जो है एक बॉटल कैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस ये हमारा बॉटल कैप जो है ये पूरा है हमारा 10 सेंटीमीटर का, 10 और हाफ। तो गाइस ये 10 और हाफ का है। तो गाइस अब जो है हम जो है 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के जो है इसके ऊपर निशान लगा लेते हैं। तो गाइस हम इसको निशान लगा लेते हैं 2-2 सेंटीमीटर छोड़ के। तो गाइस अब ये देख सकते हैं, पहला निशान हमारा आएगा इधर, दूसरा आएगा इधर, तीसरा आएगा हमारा इधर, और चौथा हमारा आएगा इधर। पांचवा हमारा आएगा इधर। तो गाइस हमारे पूरा निशान आ चुके हैं। तो चलिए गाइस अब हम इसको जो है पूरा नीचे तक कट कर लेते हैं। तो गाइस आपको ये पूरा कट नहीं करना है, ये निकालना नहीं है, हम कट करते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। तो चलिए गाइस हम इसको कट कर। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमने इसको पूरा काट दिया। तो गाइस ये देखें हमने जो है यहाँ से लेके एक कट लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पूरा दूसरा कट लगाया है, ये तीसरा कट, ये चौथा कट और ये पांचवा कट। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमने पूरा कट नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ तक के ही कट लगाए हैं। तो गाइस चलिए अब हम इसके अंदर की प्लास्टिक काट लेते हैं। तो गाइस हमें इस तरह की प्लास्टिक बॉटल की ऐसे ही इसी साइज़ की हमारे को 5 स्ट्रिप्स काटनी है। तो गाइस ये भी देख सकते हैं ये इतना ही साइज़ हमने लिया है जितना हमारा ये बॉटल के इस कैप में अंदर फिक्स हो जाए। तो गाइस हम ये 5 के 5 इस तरीके इसी डायरेक्शन में लगाएंगे और इसका मुंह ऐसे कर देंगे। तो चलिए गाइस हम इसकी पहले पूरी 5 काट लेते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमने पूरी 5 की 5 स्ट्रिप कट कर ली है। तो गाइस अब हम इसको इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस अब हम इसके अंदर इसको फिक्स कर लेते हैं। तो गाइस हमने पहली जो है इधर फिक्स कर दी, हमें सारी एक ही डायरेक्शन में फिक्स करनी है। तो गाइस अभी हम इसे ग्लू गन से पूरी पक्की कर देंगे। ये पूरी फिक्स हो चुकी है, अब हम इसे ग्लू गन से पूरा पक्का कर लेते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमने ये पूरा रेडी कर लिया है। तो गाइस आपको इसको बहुत मजबूती देनी है क्योंकि सारा पानी का प्रेशर इसी के ऊपर जाएगा, इसकी वजह से टूट भी सकता है।
तो गाइज हमने इसको ये वाला मजबूत कर दिया। और गाइज अब मजबूत करने के बाद जो है हम इसको इसकी सारी जो है स्ट्रिप्स को जो है जिस तरह एक तरफ जो है फोल्ड कर देंगे। सबको हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो गाइस आप ये देख सकते हैं हमने जो है ये पूरा जो है रेडी कर लिया था। इसके अंदर हमने जो है बीच में जो है सुराख करके रबर बैंड लगा ली थी और रबर बैंड की जो है एक इस साइड जो है मैच स्टिक घुसेड़ दी थी और इस साइड भी मैच स्टिक घुसेड़ दी थी और ग्लू गन से पूरा पक्का कर दिया। और गाइस अभी भी हम इसको पक्का ही कर रहे हैं ताकि ये निकले ना बिल्कुल भी, वरना निकल जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस ये मैं आपको बता दूँ अभी किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये आपकी जो जिस साइड आपकी ये स्ट्रिप्स मुड़ी हुई है ना वो साइड आपके पीछे साइड होनी चाहिए तभी हमारी ये अच्छी वर्क करेगी बोर्ड। तो गाइस हम इसको जो है पीछे करते रहेंगे जितनी स्पीड हमें चाहिए। तो गाइस बस इतनी बहुत होगी, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। गाइस अब अगर हम इसको छोड़ेंगे तो गाइस ये देखिए ये किस तरीके से चल रहा है और ये पानी में इसी तरीके से चलेगी। तो चलिए गाइस हम इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।